नमस्कार, स्वागत है आप सबका। जैसे कि आप सब जानते हैं, इन दिनों मैं उत्तराखंड में हूँ और मेरा गांव मेरा देश सीरीज चल रही है। पुराने 4 एपिसोड आप स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर पर आई के निशान पर क्लिक करके देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा उत्तराखंड का एक गांव, वहां के लोग और उनकी मेहमाननवाजी। आज के इस एपिसोड में उसी गाँव की सैर का दूसरा हिस्सा, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये दाल है ना? हाँ, और ये अंडे की सब्जी, अंडा करी नॉट कढ़ी, और ये हमारे चावल। बहुत बढ़िया, आज किस्मत में था मेरे आपके घर आगे खाना। ऐसा खाना चिटकानी और खिचवानी और कड़ी कड़ी और उसको क्या बोलते हैं, इतनी सारी डिशे आपने बता दी है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुने। अच्छा, हाँ प्लीज, तू कहते ये होटल चलाना है। हाँ यही देख लीजिए। बहुत स्वाद बनाया आपने, आपने बनाया? माजी ने बनाया। माजी बहुत स्वाद आएगा खाना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने खा लिया खाना? पहले खा लिया था, अभी खाए? अच्छा, आप अंदर खा रहे? ठीक है। नमस्ते दादी जी। सब्जी लगा रखी, प्याज लहसुन। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती हैं आप। बहुत अच्छी। कछुआ गांव कहाँ है? गांव घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, रहने वाला चंडीगढ़ से? चंडीगढ़ अच्छा। रामू के साथ कहाँ है राम? रामू चंडीगढ़ में, घर गया अभी, छुट्टियाँ ना? रामू के मामा गांव है। हाँ, उनके मामा का गांव है यहाँ। तो उनकी जो मम्मी है वो यहाँ से थी, है ना? शादी में आई थी। अच्छा, शादी हुई नहीं यहाँ? हाँ, यहाँ शादी हुई उनकी। घर ही में है, वही है घर में? नहीं, रामू तो चंडीगढ़ है। रामू की मम्मी देहरादून चली गई। देहरादून चली गई, बहुत मेहनती लोग है वो ना। जी बिल्कुल, आप बहुत मेहनती है, मैं तो आपको देख रहा हूँ इतनी मेहनत करते हुए ठंड में भी। सुबह से लगे हुए है ना? सुबह से लगे। इसको आप क्या कहते हो? ये क्या है, ये क्या चीज है? कोतवा, कुदाल। पर अच्छा, बुराई कर। हाँ, तो कुदाल कुटली बोलते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ कुटली बोलते हैं, कुटली है भाई, कुदाल आप कह लो। दादी की उतनी है, दादी काम कर रही है। दादी खेतों में, क्या देखो, छोटा सा किचन गार्डन, खुद ही सब्जियां होगा, खुद खाओ, है ना? ये हमारी दादी की कुटली है। बाबा, कुटली। मिलते हैं दादी, अभी आते हैं, ठीक है? देखो मटर भी उगा हुआ है, अभी तो इसमें दाने ही नहीं आए। अच्छा, साबुत खा लो, ऐसे मीठा लगेगा। ये एक और पुराना घर। हाँ। ये आपके पड़ोसी? हाँ, ये हमारे दादी जी। वो जो गए थे थोड़ी देर पहले? नहीं, मार्केट मतलब ये यहाँ पे नहीं है, यही रहते हैं। नहीं रहते, आज गए, आज मार्केट गए, मिर्चा वगैरह क्यों है, सूखने के लिए। बहुत बढ़िया। अरे ये तो टूट ही गया पूरा। ये पुराना, अब ये टूट गया, नया बनाएंगे। एक कमरा बचा रखा है अभी। ये
नरसिंह देवता का मंदिर है। अच्छा ये मंदिर है सर, मुझे लगा एक कमरा अभी बचा दिया है ना। ये नरसिंह देवता का मंदिर कहाँ है? खुले में रहते हैं। अच्छा खुले में रहते हैं, इसको बंद नहीं करना पड़ता। मैं वही सोचूं मंदिर को दिख नहीं रहा, खाली एक दरवाजा दिख रहा है मुझे। यहाँ पूरे पहाड़ में कहीं भी चल रहा है ना। हाँ तो इनका मंदिर हमेशा खुले में होता है। तो ये सामने जो दिख रहा है ये मंदिर यहाँ पे है ना। मूर्ति होती है भैरवनाथ जी की? मूर्ति होती है या तो ऐसे स्थापित कर देते हैं किसी लोग बिना मूर्ति के, जैसे उनके निशान है वहाँ पे, जैसे त्रिशूल हो गया। अच्छा त्रिशूल का निशान है। हाँ तो उसी से मंदिर वही। यहाँ से नज़ारे तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वो सामने कोई गाँव है? हाँ राज। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। बैठे आते? ये अपना डब्बू घूम रहा है साथ में। हाँ। डब्बू पाइप की बाढ़ लगा दी यहाँ पे। आओ डब्बू चलो आ जाओ। क्यूती क्यूती दोगी। पालक ऐसे बो रहे हो आप? ये मूली है कि पालक है? ये राई बो रहे हैं। तो इसकी पौध लगती है? अच्छा अच्छा तो राई का साग बनाएंगे फिर है ना। राई का पहाड़ कब बनेगा? कब है ना सोना? राई का पहाड़ कब बनेगा? कब बनेगा राई का पहाड़, सोच के बताओ जल्दी। हाँ सोना सोच में पड़ी है, कब बनेगा? सोच रही है वो। चलो बोलो। थैंक यू यार। चलो हम। अच्छा चलो ठीक है जी, नमस्ते। चलो ठीक है दादी, मिलेंगे। यहीं रहो आ। यहाँ रहो? हाँ चले जाओ। मुझे लग रहा अगली बार ठीक रहेगा। रामू को साथ लेके आऊँगा। रामू को? हाँ अच्छा। दोनों यहीं रुकेंगे फिर हम आपके पास है ना। रामू कभी ना ये रुकता अब की बार मेरे साथ आएगा फिर रुकेगा। मैं हाँ फिर मैं लेके आऊँगा उसको, बोलेंगे यहीं रुकना है। ठीक है जी चलो बाय। नमस्ते जी। अच्छा जी आ जाइए। इतना बोझ उठा के ला रहे हो आप? हाँ। ध्यान से आप लकड़ी भी लेके आए साथ में? बहुत अच्छे। बाय बाय। अच्छा जी हाँ जी ज़रूर मैं आता रहूँगा। आप मेरे को वो सारी डिश बना के खिलाना जो आपने नाम बताए, एक एक करके रोज़ खाया करूँगा फिर। अभी तो सब नीचे हो गया। अच्छा तुम्हारे गांव में एक भी दुकान नहीं है ना? ना उस मृग का बार्किंग डियर। बार्किंग डियर पर वो मृग नहीं है ना? ना मृग है वो। वो मृग है? हाँ इसको वो ऐसी मतलब आवाज़ निकालता है वो बंदर की तरह। हाँ बहुत गहरी आवाज़। अच्छा हाँ यूँ वाली कर निकाल के दिखाओ। अच्छा ऐसा हाँ। छोटा होता है? हाँ लॉन्ग में नहीं होता। हाँ डेंजरस तो बिल्कुल नहीं? नहीं, नहीं बिल्कुल वो खुद ही डरता होगा। हाँ। ऐसे लोगों से देखता रहेगा वो आपको। हाँ अगर आप उसे दिख गए, अगर वो जहाँ पे खड़ा होगा तो बिल्कुल आपको बहुत देर तक घूरता रहेगा, खुद ही चले जाएगा।
दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, वैसे भी शोर सुन के छिप गया होगा। हाँ नहीं जी, चलो क्या दिख रहे हैं? नहीं है। अच्छा इतना खुले में दिख जाएगा? कभी भी इसका यहाँ यहीं पे रहता है ना, इस एरिया में जाता है। अच्छा अच्छा तो दिख जाता है। आप चंडीगढ़ आओ तो मेरे पास आने वाले हो। ठीक है, ओके, बाय 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 बाय। देखिए मैं नीचे इस रास्ते से वापस जा रहा हूँ और गौरव उस रास्ते से ऊपर जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए, घर के लिए। चलो बाय, फाइनल वाला बाय। लीजिए दोस्तों, वापसी की जर्नी हो गई है शुरू। मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, निकलते निकलते तो सोचा भी नहीं था कहीं ऐसी जगह पहुंच जाऊंगा और ऐसे एक खूबसूरत सा घर देखने को मिलेगा, प्यारा प्यारा सा डॉगी और साथ में गौरव जैसा दोस्त। शानदार एक्सपीरियंस, और वो खाना उसकी तो बात ही क्या है, मज़ा आ गया। तो मिलेंगे वापस नीचे। जाते जाते मैं थोड़ा ध्यान से झाड़ियों में देखता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे गौरव ने बताया था कि यहाँ पर एक मृग है जो इसी एरिया में रहता है, अगर आप ध्यान से झाड़ियों में देखते हुए चलेंगे तो आप देख पाएंगे। इतना चलने के बाद प्यास लगा ही है, थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। डाउनी लाने का मजा ही अलग है, मेरे को तो दौड़ना पसंद है, आई लव इट। आपको भी गांव में घूमकर उतना ही अच्छा लगा होगा जितना कि मुझे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।